सर ने बोल सर नॉन टीचिंग स्टाफ और मेरे प्यारे प्यारे अजीज तुलबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि पर्वत से निकल कर चश्मे किसी खोई हुई मंजर का पता देते हैं। कहते हैं कि पर्वत से निकल कर चश्मे किसी खोई हुई मंजर का पता देते हैं। जिंदगी उन पिदरान रूहानी की भी बड़ी कठिन गुजरती है जो बिलाखिर अपने फर्जंदान रूहानी से बिछड़ जाते हैं। और अजीज खुटबा, तकरीबन अरसाए 30 साल तक महकमाए तालीम में वाबस्ता रहने से मुझे एक रूहानी सुकून है कि मैं वो पेशा अल्लाह ताला ने मेरे लिए मुंतखब किया जो पैगंबरी पेशा है, और ये तालीम व तालम बहुत आला
पेशा है, सबसे बड़े पेशों में से ये एक बेहतरीन बेस्ट प्रोफेशन है, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, जो कुरान भी पढ़ाए दूसरे तालीमात भी दे वो बेहतरीन है। ये वो इल्म है जिसकी बुनियाद पर आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया, और इल्म ही की बदौलत अल्लाह ताला ने आलम को आँखों वाला और जाहिल को नाबीना करार दिया, और इल्म ही की वजह से पूरी कायनात में इंसान अफजल है सिर्फ अपने इल्म की वजह से। और अजीज तुलबा, मैं फख्र से कहता हूँ कि मैंने इस पेशे से अपनी 33 साल 30 साल की ज़िंदगी जो है वाबस्ता कर रखी थी, और अब भी जब मेरा जेर बनता है मैं इसी प्रोफेशन को अपने लिए बेहतरीन समझता हूँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि हजरत अली अलैहि सलाम का कौन है, सहाबी को हर शख्स को इलम की फजीलत के बारे में पूरी उम्मत को पूरी इंसानियत को कहा इसकी फजीलत इतनी है कि अगर तुम्हें चीन तक भी इस पर इस ये हासिल करने के लिए जाना पड़े तो ये इलम हासिल करना, ये इलम हासिल करना हर एक मुसलमान का फर्ज है, और ये मेरे लिए बल्कि हम सब साथियों के लिए ये काबिले फख्र बात है। उस्ताद आपको ज़मीन से उठाकर आसमान की रिफातों और बुलंदियों तक ले जाता है, और वालदेन तो आपको दुनिया पे लाने का बायस बनते हैं, लेकिन ये फकत उस्ताद है जो आपको आसमानों की रिफ्तों तक पहुँचाता है, और आपके मराल और आपका तकद्दस मुआशरे में इलम की वजह से बनाता है, आपकी करेक्टर मेकिंग करता है, और आपकी हर डिफॉर्मेशन को वो फॉर्मेशन में बदलता है। इस मुआशरे में आप बेहतरीन तालब इलम बेहतरीन होते हैं, जब घर से निकलते हैं तो एक हदीस का मफहूम है कि फरिश्ते उनके रास्ते में पर बचाते हैं, और जब मुअल्लिम भी अपने पेशे के लिए निकलते हैं तो उनके लिए भी फरिश्ते पर बचाते हैं कि इन्होंने तालीम व तदरीस का काम करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मस्जिद में मौजूद थे, एक मस्जिद की कार्नर पर एक जिक्र करने वाली महफल थी, और एक कार्नर पर बासो मुबाशा और तकरार और यानी मुजाकरा हो रहा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलम के मुजाकरे वालों के पास बैठना पसंद किया, यानी कि इससे पता चलता है कि इलम की कितनी फजीलत है। और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने सबसे पहले यही फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इकरा पढ़, और ये आप बड़े खुशनसीब हैं जो एक तालीमी अदारे में हैं। और मैं ये भी बड़े फख्र से कहता हूँ कि मेरी रिटायरमेंट गवर्नमेंट हाई स्कूल खूनर से हो रही है, और यहाँ मैंने अपने आप को ऐसे महसूस किया है जैसे एक मैं कोई जन्नत के एरिए में बैठा हुआ हूँ। हर तरह की फैसिलिटी, मेंटली पीस और जो फिजिकली पीस, हर तरह की जो है वो जिसे कंटेंटेड कहते हैं, मुतमईन और इत्मीनान के साथ मैंने पढ़ाया है, और मेरा ख्याल है मेरे सारे साथियों की यही राय है। और इसमें सबसे ज़्यादा असर जो है या सबसे मोस्ट इफेक्टिव एलिमेंट जो है वो हमारे सदर मुअल्लम चौधरी मोहम्मद असगर साहब हैं, जिन्होंने प्रोग्रेस भी दी है और इस स्कूल का रिजल्ट भी दिया है, और साथियों को भी साथ लेकर चले हैं, और हर टीचर आपसे मालूम है मोहब्बत रखता है, और ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉजिटिव टेक्निक है कि हर एक टीचर उनके साथ मुस्लिम है, और यही वजह है कि आपके स्कूल का रिजल्ट अलगूल 2, 4, 5, 6 सालों से ये आपका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर इलम आप सीखते जाएं तो आपके अंदर जसारत भी आ जाती है, गैरत भी आ जाती है, ईमान भी आ जाता है, और इंसान का जब ईमान मजबूत होता है तो वो हर तरह से तकड़ा और तकड़ा रहता है, और उसमें एक कुव्वत पैदा होती है जिसे रूहानी कुव्वत कहते हैं। अगर इंसान में रूहानी कुव्वत है तो वो इलम की वजह से आती है।
और ये इलम इतनी बड़ी ताकत है कि आपको हर मैदान में कामयाबी दिखाता है। और इलम की बुनियाद अगर आप इलम जानते होंगे तो आप दुनिया के हर कोने पे जहाँ भी जाएंगे सच बोलेंगे और सच का साथ देंगे। अल्लाह भी फरमाता है कि कून उमार सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जो शख्स सच्चों के साथ होता है, सच बोलता है, ये इलम ही उसे सिखाता है कि सच की फजीलत और फर्जियत और तकद्दस कितना है। वी शुड हैव टू अलाइंस विद द ट्रुथ फॉर इनरिचमेंट ऑफ ट्रुथ, टू इनहांस द ट्रुथ फॉर बेटरमेंट ऑफ द ट्रुथ, फॉर डिवेलपमेंट ऑफ द ट्रुथ। हर शख्स को जिंदगी में ये आप याद रखें कि जिंदगी में अगर आपका कहीं वास्ता फट जाए, कोई ऐसे आपको खानदानी तासब हो या जो कुछ भी हो, तो आप अगर जज भी लग जाए, जो कुछ भी लग जाए, आप उसमें से कुरेदे के वेयर इज द ट्रुथ, सच किधर है, आप सच का साथ देंगे तो यकीन जाने आपकी मुआशरे में भी इज्जत होगी और आपका दिल भी मुतमिन होगा। और अगर आप सोशल ईवल्स को मरूज़े खातर रखते हुए उनमें फंस जाएंगे तो आपका ज़मीर आपको मलामत करेगा। तो मेरे तक कुछ आसार असासात यहाँ से जाते हुए ऐसे लग रहे हैं, हकीकत में है नहीं लेकिन कुछ महसूस हो रहा है कि गुलस्तान को जब भी लहू की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। फिर अब ये कहते हैं अहले चमन, चमन है हमारा तुम्हारा नहीं, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। लेकिन इसका हकीकत से तलक नहीं, ये मेरे कमेंट्स हैं, ये तासरात हैं, इंस्पायर हैं जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मेरे तमाम साथी मेरे भाई हैं, मैं जब भी यहाँ आऊँगा अल्लाह के फजल से ये मेरी रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि ये अलविदा लफ्ज़ जो है इट हैज़ नो वैल्यू, अलविदा कोई चीज़ नहीं है। जो शख्स आँखों से प्यार करता है उसके लिए अलविदा होता है, जो दिल से प्यार करता है उसके लिए अलविदा होता है, लेकिन जिसका रूह से प्यार होता है, रूह वाला जिसके साथ रूह का ताल्लुक होता है वो अलविदा नहीं होता, क्योंकि रूह अमर रबी है और रूह को मौत नहीं है, रूह इज फॉरएवर। और जिनसे रूहानी मोहब्बतें होती हैं उनके लिए अलविदा नहीं है, वो हर वक्त दिल में समाए और समोए रहते हैं। वो महारा तो इनकी कमी हम हर कदम पे महसूस करेंगे। तो बेशक ये स्कूल से तो जा रहे हैं लेकिन अमजद साहब हमारे दिलों से कभी नहीं जाएंगे और दिलों में रहेंगे। तो ये सिलसिला चलता आ रहा है, चलता रहेगा, तो इसी तरह आप भी पढ़े हो आगे जिंदगी में चले जाओगे। हमें भी वो याद है सब जब जिन्होंने हमारी तालीम तरबियत में हिस्सा लिया, तो इस लिहाज से अमजद साहब एक अपनी हैसियत रखते हैं। उन्होंने बहुत ही मेहनती सच को और वक्त के प्रबंध बयान, तो ये स्कूल में बड़ा अहम रोल इन्होंने अदा किया है। स्कूल के इनिशियल स्टेज पे था, अभी वो इस तरह तरक्की के मनाजर तय कर रहा था, तो ये नोटिस दी में थे, तो इन्होंने कहा कि मैंने इधर आना है, तो मैंने कोशिश की, अल्लाह को मंजूर हुआ, मेरे इधर तशरीफ लाए, तो इनके आने की वजह से ये स्कूल आज जो है ये जितने भी मामलात होते हैं ज़िंदगी के या जितने ये अफराद से ही होते हैं, तो अच्छे अफराद हों वो अदारा वो घर वो मुल्क को तरक्की करता है। इसी तरह हमारी टीम अच्छे अफराद अच्छे टीचर अच्छे सब्जेक्ट कराऊंगे ये स्कूल मजीद फलेगा फूलेगा, इसमें परवरिश पाने वाले बच्चे, इसमें पढ़ने वाले बच्चे मजीद अपने ज़िम्मेदार शहरी बनेंगे, आगे ज़िंदगी में अहम रोल अदा करेंगे। तो ये हमारे फ़र्ज़ में शामिल है, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हमारी सब्जेक्ट कराम जितने भी हैं
तो वो आपकी तालीम और तरबियत पे खुशी की वजह देते हैं। तो उनमें से एक जिम्मेदार उस्ताद जो थे वो हमारे अमजद साहब थे, जिन्होंने 4-5-6 साल अरसे में जितनी मुमकिन हो सकती थी आपकी तालीम तरबियत में हिस्सा लिया, स्कूल की बेहतरी में हिस्सा लिया। तो ये सारे मिलजुल के हम आज इस स्टेज पे आएंगे, स्कूल माशाल्लाह अच्छे तरीके से रन कर रहा है, इसमें पढ़ने लिखने वाले बच्चे, खुशी होती है दिल को। इतनी यकीन आपके वालदैन को नहीं खुशी होती जितनी उस्ताद को खुशी होती है आपकी कामयाबी की। तो ये फीलिंग उस वक्त पता चलती है जब आप अमली ज़िंदगी में चले जाते हो। जब हम भी पढ़ते थे हमें भी नहीं इतना महसूस होता था, जब हम उस्ताद बने फिर हमें भी उस्ताद की कदर आई है, अपने वालदैन की कदर आई है। तो कदर करना सीखें तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी बाकी ज़िंदगी भी इसी तरह कामयाबी कामरानी के साथ गुजरे। सारी ज़िंदगी आपके काम आ रही है, तो आप लोगों ने हमेशा इनको भी दुआ में याद रखना, क्योंकि सब साथ दुआ में याद रखना। Thank you.